तो गाइस चाय वाय पी के हो चुका है, अब राबिया जा रही है सब बर्तन लेके और मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे ज़रा काम है तो मैं मार्केट जाऊँगी, आपको वहीं दिखाऊँगी क्या करने जा रही हूँ मार्केट में, क्या लाना है क्या नहीं, तो मैं मिलूँगी आप लोगों से मार्केट में। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से बाहर मार्केट के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट और कुछ ज़रूरी काम भी है मेरा शिवाजी नगर में, वहाँ पर भी जा रही हूँ मैं। तो देखो ये रास्ता है मेरा कितना गंदा, पानी हमेशा भरा रहता है इधर से जाने के लिए। वीडियो थोड़ी बना के चलेंगे ना, आ जाओ कहाँ जा रहे। तो गाइस में मार्केट, तो गाइस में अभी हूँ चांद भाई की दुकान पे जो मेरे इधर है। तो इनसे मैं लेती हूँ जो भी सामान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे दे देते हैं कुछ भी सामान है, कोई टेंशन नहीं है। चांद भाई सलाम करो मेरे व्यूवर्स को, चला बोलो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ऐसा बोलो। चांद भाई शर्मा रहे। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ घर पे, तो कल संडे है तो इसके लिए कुछ अच्छा ही संडे को बनेगा, तो उसके लिए मैं आज अभी रात का डिनर के लिए मैंने ये क्या बोलते हैं अखा मसूर ले लिया था, थोड़ा सा भी अखा मसूर का सालन बना दूँगी आज। तो ये अखा मसूर ले आया सुबह के लिए, आधा लीटर दूध ले आया, साबुन ख़त्म हो गया था एक, ऐसे तो मैं पूरा महीने का भरा देती हूँ लेकिन अभी ख़त्म हो गया था, तो फिलहाल ये एक साबुन लेके आ गई, कपड़े धोने का आधा लीटर दूध जो सुबह को लगता है वो, और ये 100 ग्राम दाल लाई हूँ जो अभी गाइस में अखा मसूर की दाल जो है चढ़ाने डाली हूँ। तो इसमें मैंने कांदा टमाटर हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डाल के और नमक डाल के चढ़ा दूँगी। तो ये जो आज मैं अखा मसूर की जो दाल बनाने जा रही हूँ सिर्फ रात के डिनर के लिए, कल अल्हम्दुलिल्लाह संडे है तो कुछ अच्छा बनेगा, तो ये जो बोरी स्टाइल में बना रही हूँ आज, बोरी लोग जैसा खाते हैं वैसा बोरी स्टाइल का है ये, तो अभी जब ये तैयार हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस बर्तन भी धुल चुके हैं, अभी राबिया पास सब बर्तन सेटिंग कर रहे हैं, ये पूरे बर्तन धुल गए हैं। तो देखो ये है छोटी सी दुनिया हमारी, छोटा सा किचन जिसको देखो, ये हमारे छोटे से बर्तन है और छोटी दोपहर के बर्तन भी धुल गए हैं सब, हम लोग का भी धुल जाते हैं दोपहर के बर्तन, अब लगा रही है क्योंकि मेरी बेटी बहुत लेत लतीफ़ काम करती है, धुलती कभी है लगाती कभी है, तो अब ये लगा रही है बर्तन स्टैंड में। ज़्यादा लंबा चौड़ा किचन नहीं है, छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है अल्लाह का शुक्र है। तो राबिया का अभी बर्तन पूरे लगा रहे हैं। तो गाइस दाल मेरी गल के हो चुकी है, तो अब इसको कर रहे हैं घोटा घुटी, ये घोट रहे हैं दाल, और ये रखी है इसकी बघार करने की रेसिपी, कड़ी पत्ता लहसुन और कांदे से बघारी जाएगी, बाद में इसमें छिड़का जाएगा, फेंक के मारा जाएगा कोथमीर। तो जो कोथमीर का टेस्ट आएगा ना, हम लोग रिजक है, हम लोग नहीं ऐसा करते, बस सब बोल मजा कर रहे हैं, लेकिन जो कोथमीर का जो मजा आता है ना खुशबू, वाह 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 वाह, कोथमीर तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है हम लोग, क्या सालन में बोलो हर चीज में कोथमीर डलना ही डलना, ऊपर से ऊपर से जो उसका खुशबू आती ना फ्लेवर, आ हा हा, खून पड़ जाता खाने खाने का, सही है ना उसका। गाइस अभी दाल बघारने का स्टार्ट, 3 चम्मच तेल इसमें चला गया, अभी तेल गरम हो रहा है मेरा, तो तेल चरमुर 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 कर रहा है, तेल गरम हो गया, पानी खा ना तेल ले रखने का मन, चलो तो सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा लहसुन, उसके बाद लहसुन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्याज, उसके बाद प्याज बिस्मिल्लाह, फिर कड़िया पात यानी कड़ी पत्ता, अब इसको इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा सा हम रखेंगे। तो देखो ये हमारी प्याज का कलर लहसुन का सब चेंज हुआ,
अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जो है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, बिस्मिल्लाह। तो ये कश्मीरी जो है, अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये जाएगी इसमें दाल, ये हो गया दाल फ्राई तड़का मस्त वाला। देखा, ये अक्खे मसूर की दाल बनाए हैं हमने एकदम घाड़ी घाड़ी। अब इसमें जाएगा थोड़ा पानी, जितना हम लोग को लगता है, जितनी हम लोग की क्वांटिटी है, ये रात में ही ख़त्म हो जाए करके। तो इसके लिए अब आपा कुकर खंगाल के इस तरीके से, कुकर में सब तरफ दाल लगी है तो पूरा खंगाल के। तो भाई कैसी लगी ये हमारी रेसिपी, तो कमेंट्स में ज़रूर करना, खास करके उनके लिए खास करके मेरे एक फ्रेंड है भी जो नए बने हैं, उनके लिए ये रेसिपी। तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करना घर पर, अब बताना जरूर, और बना के बताना ज़रूर कि आप ये दाल खाते हैं कि अक्खी मसूर की। नमक कितना डाली थी? आधा एक चम्मच। अभी इसमें नमक जाएगा, फिर इसमें ये कोतमीर जाएगी हरी हरी सी, सब्स कोतमीर। बिल्कुल नहीं बता रही तुम्हें, कोकम डालना है ना, कोकम, कोकम कहाँ है, कोकम कहाँ है। तो इसमें हम अब डालेंगे कोकम, ये कोकम है। अगर इसकी पे ऑप्शनल है आपके पास तो मिलता है तो डालो, लज्जत अच्छा, हाँ थोड़ा टेस्ट और अच्छा आएगा, जायका बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ऑप्शन, क्या बोलते हैं आप उसको, ऑप्शनल, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा, ये कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, दो उबाल आ जाए ना तो फिर कोतमीर डाल के खत्म। हाँ, इसको दो उबाल आ जाएगा तो उसमें कोतमीर डाल देंगे, फिर मेरी दाल ये बन गई। अब स्टीम राइस तो वो आप लोगों को सभी को मालूम है, चावल भीगे हुए, अब ये कुकर में स्टीम हो जाएगी, ख़त्म। ये खाना आज का डिनर मेरा सिंपल सा रेडी हो चुका है। तो बस, तो गाइज हम लोग अभी बैठ गए खाना खाने, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ हमारे दस्तरखान पे, बिस्मिल्लाह बोलें। हाँ, तो ये देखो कितनी मस्त दाल बनी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। तो ये दाल है मेरी, पापड़ भी तल लिए हमने, चावल तो स्टीम हो गए उधर, तो ये मेरी मिर्ची। हाँ, तो देखो कितने मस्त खिले खिले स्टीम राइस है मेरे, इतने अच्छे से बनाए हैं हमने ये स्टीम राइस है मेरे। तो आप लोग भी आ जाए हमारे दस्तरखान पे, बिस्मिल्लाह बोलने। ये थोड़ा मोड़ा जो भी है अल्लाह पाक का बहुत सारी नियामत है। तो ठीक है, डिनर तो ख़त्म हो गया, अब टाइम है डिज़र्ट का। तो डिज़र्ट में है खीर, जो थोड़ी बच गई है तो बोले चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, डिज़र्ट में खीर ही खा लेते हैं। तो ये है हमारी खीर, देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी, हम ऐसे ही खीर बनाते हैं भाई, और फ्रिज में रख के ठंडा करके खाते हैं रबड़ी की तरह, और बहुत ठंडी हो गई लेकिन। तो ये रबड़ी बन गई अभी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है, अभी चख के देख और बता टेस्ट कैसा है इसका। अटूटा कैसी लग रही जिदार, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या बोलते अब्दुल मलिक भाई का, अब्दुल फरीद मलिक का व्लॉग देख रही हूँ जो सऊदी में बनाते हैं। मेरे को इनका व्लॉग बहुत पसंद आता है, यही चलता रहता है मेरे घर पे व्लॉग, खाना बनाते हैं जो मंदी बनाते हैं ये बनाते हैं। तो गाइस देखो, मेरी बेटी को शौक चढ़ा है मेहंदी लगाने का, तो वो जो है अभी सीख रही है, दुआ करो आप लोग के इसको, तो दुआ करो कि इसको आ जाए डिज़ाइन बनाने। तो मैं इसको कहीं बेचती नहीं हूँ, ये खुद ही कौन ला के देती हूँ, ये खुद ही हाथ में ऐसा करती है, इधर पे भी इसने लगाई है कल। तो ये कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रा बताना,
क्योंकि ये सीखी नहीं है, अपने से कर रही है ये खुद ही ये सब। तो आप लोग दुआ करें कि इसको आ जाए मेहंदी लगाने भी। तो गाइस अभी हो गया है रात का सोने का टाइम, अभी हम लोग जा रहे हैं सोने और अम्मी भी जाए आगे। खाना ना हो गया तो हो गए बिस्तर डाल के। तो आज भांजा शनिचर है तो वो चला जाता है अपने दोस्त के यहाँ सोने शनिचर के दिन। तो ये पलंग हो जाता है आज के रात का मेरा, तो ये पलंग पे मैं कब्जा कर लेती हूँ। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लड़की करती है, मेरे पैर दबाती है। तो मेरी लड़की हमेशा मेरे पैर दबाती है। मेरी बेटी जो है ना मेरे पैर ऐसे रात में सोने के टाइम मेरी लड़की मेरे पैर दबाती है, एक एक दो दो घंटे तक पैर दबाती है मेरे। मेरे पैरों में दर्द होता है तो वो दबाती है ऐसे मेरी लड़की। अल्लाह पाक आप लोगों की बेटियाँ भी इसी तरह पैर दबाती है क्या, आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ। क्योंकि मेरी बेटी तो मेरा पैर दबाती है रात में, जब मैं बोल दूँगी हाँ बस कर दे तो फिर चली जाती है, क्योंकि मेरे पैरों में होता है बहुत दर्द। तो मैं ऐसे रखती हूँ वो दबाती है रोज़ाना रोज़ाना का, वो रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो। दिन में अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं आज ब्लॉग अपना संडे तक। अब बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे, घड़ी आगे है मेरी, इसमें 6:15 बता रहा होगा मगर 6 बज रहे हैं। और सुबह का व्यू देखो कितना अच्छा है, बरसात हो रही है तो ऐसा मौसम किसके किसके घर। देखो बादल देखो माशाल्लाह, सुबह के 6:15 बजे बारिश देखो कितनी हो रही है। तो इंडिया या इंडिया से बाहर जो भी है किसके यहाँ ऐसा मौसम है सुबह सुबह बारिश का, ठंडा ठंडा सा बारिश का मौसम है, बहुत सारे बादल छाए हुए भी तो बारिश हो रही है। और अम्मी नमाज पढ़ रहे हैं इधर, अम्मी नमाज पढ़ रहे हैं अभी सुबह के 6 बजे। तो गाइस हम लोग उठ गए हैं और हमारी चाय चढ़ी हुई है। तो आज संडे है तो रोटी नहीं बनेगी, आज संडे है तो रोटी नहीं बनेगी, पराठे नहीं बनेंगे, चाय बन गई है। अम्मी वॉशरूम में मुँह धो रहे हैं, आप आज काम पे नहीं गई है यहाँ बैठी है मुँह हाथ धो के। तो आज देखो बारिश, तो धूप भी निकल रही है बारिश भी हो रही है, देखो मौसम देखो हल्की हल्की धूप है हल्की हल्की बारिश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ये मौसम का हाल है सुबह से। तो गई अभी नाश्ता लगेगा, फिर अभी मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ मुँह हाथ धो लूँ। अभी तो मैं उठी हूँ क्योंकि आज संडे था तो सुबह उठ के सो गई। तो बॉटल से निकालते हैं भी नहीं। हाँ तो गाइस मेरी गोली खाने का टाइम हो गया है, ये है मेरी थायराइड की गोली जो मैं अभी खाने जा रही हूँ। ये इतनी सी गोली है पूरा दिन मेरा शरीर संभालती है, देखो कितनी छोटी सी गोली है थायराइड की, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसमें। ये मैं अल्लाह शाफी करके खा, ये अल्लाह शाफी ये अल्लाह काफी। ये रोज सुबह खाना पड़ता है भाई नाश्ता करने से पहले, कुछ खाओ नहीं खाओ नाश्ता करो नहीं करो, अजीब बीमारी बड़ी अजीब बीमारी है थायराइड की। हमने तो कभी जिंदगी में थायराइड का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जब होने लगी तो घर में सबको एक एक करके, बड़ी बहन को ये मतलब माशाल्लाह ये बहन को तो कुछ नहीं है, इससे छोटी जो है उसको ये बड़ी है सबसे, तो इसको तो कुछ नहीं है, इससे छोटी है कि उसको भी शिकायत है एलर्जी की, इसको पहले से शिकायत है बस एलर्जी है बाकी कोई बीमारी नहीं है। फिर इससे छोटी वाली बहन की बेटी को सबसे पहले शुरुआत हुई थायराइड मुस्कान को, फिर उसके बाद मुझे हुई, फिर बड़ी वाली बहन को मुझसे जो बड़ी है उसको, हम तीन जन को थायराइड है घर में, मतलब उल्टा हो गया, पहले जैसे माँ की से बेटी को हुई तो बेटी से माँ को हुई, फिर माँ को फिर बहन को यहाँ खाला को लेके आ रहे हैं,
बात करती थी ना कोई से, तो इधर आके बोली तेरे से बात कर करके तेरे गले की थायराइड मेरे को, ओ खाला क्या ऐसा बोलते बोलती हूँ यहाँ तेरे से बात कर करके मेरे को थायराइड हो गया। मैं बोली वो मेरी भांजी से मैं बात करती थी वहाँ पे, अब उसको थायराइड हो गया था। अब मैं इधर आई तो मेरे को मालूम पड़ा मुझे भी था, तो मैं बोली तू कोई पे मेरे से बात करती थी फोन पे, तेरा असर मुझ पे आ गया। अभी देखो हम तीन जन को, हाँ अब तीन जन को थायराइड हो गया। अब मेरी बेटी को वही समझाती हूँ, थोड़ी डाइटिंग कर, थोड़ा वेट लॉस कर, खा। तो गाइस आ जाओ सुबह का, आज संडे स्पेशल नाश्ता है, डोसा इडली सांभर चाय। मेरे पाव किधर है? कड़क पाव पीछे, हाँ कड़क पाव क्रिस्पी वाले, क्रिस्पी पाव कड़क वाले इसमें है कड़क पाव। ये देखो ये हम चाय से खाएंगे कड़क पाव। अभी तो फिलहाल इडली, और आप लोग भी आओ मेरे दस्तरखान पे नाश्ता करने। बिस्मिल्ला संडे स्पेशल नाश्ता इडली डोसा। गाइस हो गया है इडली डोसा खा के, अभी बारी है चाय की, चाय और ये कड़क पाव। बड़ा मज़ा देता है कड़क पाव, किसके किसके कंट्री में मिलता है और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? बम्बई में तो मिलता है, और कहाँ मिलता है कड़क पाव कमेंट्स में ज़रा बताना, ये कड़क पाव कहाँ मिलते हैं आप लोगों के यहाँ मिलते हैं? हम लोग क्या तो मिलते हैं, हम लोग का तो बहुत फेवरेट है। हाँ सुबह मिलते हैं भाई, शाम में नहीं मिलते हैं, गर्म भी करके देता है। सुबह ही मिलते हैं कड़क पाव और शाम में नहीं मिलते, फिर सिलेस पाव मिलेंगे यानी नरम पाव। तो अभी नाश्ता डोसे का हो गया, अब चाय पाव का नाश्ता, तो आप भी आ जाओ चाय पाव खाने। गाइस हो गया नाश्ता पानी, बर्तन रखे, अभी राबिया जा रही है बर्तन धोने के लिए, सब किचन साफ करेगी पूरा। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, आज संडे है, देखती हूँ क्या बनाऊँ आज खाने में, तो वो भी आपसे शेयर होगा आज खाने में। तो अभी मार्केट थोड़ी देर से निकलूँगी, तो नाश्ता पानी सब हो गया हमारा, पानी हम लोग का 12 बजे आता है। इसके लिए अभी राबिया को बोली हूँ मैं बाज़ार जाके आया था मार्केट से, तू बर्तन तन धो दे, तो मैं मार्केट से आके आप लोगों को बताती हूँ क्या लाई हूँ। तो गाइस मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, तो मार्केट से मैंने लाया है गोश्त, ये देखो कितना मस्त है गोश्त। तो ये देखो गोश्त लेके आ गई हूँ, कितना मस्त है इसका। संडे के दिन सुबह सुबह जाएंगे ना जल्दी, तो गोश्त अच्छा मिलता है। गोश्त, कोतमीर और अदरक, और दूध भी ले आ गए 1 लीटर, और दही का ये एक वो ले गए। अभी दूध का एक चीज़ बनेगा, वो जब बनेगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो ये सब्ज़ मिर्ची जो कल हमारी यहाँ तली हुई मिर्ची ख़त्म हो गई, आप लोग सोचते होंगे कि एक ही मिर्ची कितने बार खाते, तो नहीं, पाव किलो लाई थी तो तल के रखी थी, वो ख़त्म हो गई, तो आज पाव किलो लेके आ गई हूँ मिर्ची तलने वाली। आज ये तलनी जाएंगी क्योंकि हम लोग को लगती है अच्छी लगती है, मज़ा आता है खाने में इसको, तो इसको फ्राई करेंगे हम। तो अभी देखेंगे, ऐसे मंगा लूँगी नींबू, अभी देखेंगे क्या बनने का भी आपा प्लान करती है, क्या बनाते हैं। गोश्त वोश्त तो मैं ला के रख दी हूँ, ठीक है, तो जब ये बनना चालू होगा तो आपको बताती हूँ। आज घर में हो गई एक साफ सफाई मेरा एटीएम कार्ड टूट गया था गुम, बता वो एटीएम निकाल के बता। हाँ तो अभी पैसे ना, और एटीएम कार्ड मैंने अपनी बेटी को दी थी रखने के लिए, तो वो एटीएम कार्ड अपने हाथ से इस पर्स में रखी थी जो अभी मेरी आपा खोल रही है। देखो इस पर्स में मेरा एटीएम कार्ड है, अब पूरा जमाने में मैं डर के मारे उसको मैंने परसों दी कि देख एटीएम कार्ड रख दे, उसने रखी। आज मुझे जाना था बैंक कुछ पैसे निकालने, तो उसको मैंने क्या बोली कि एटीएम कार्ड दे, तो पूरा जमाना बोलती अम्मी परसों में देख, और परसों ही मैं इसके हाथ बोले परसों में देखी हूँ, मुझे याद करा, और देखो अम्मी ने निकाल दिया पूरा पलंग के नीचे से पूरा पसारा एटीएम ढूंढने के लिए। तो चलो इससे हाथ लगे लगे साफ हो गया पलंग के नीचे। संडे स्पेशल में सरप्राइज है ये, तो ये जब पूरा बनेगा तभी बताऊंगी, अब तो नहीं बताऊंगी, अभी तो खाली ऐसे ही प्रोसीजर बता रही हूँ। जब पूरा बन के तैयार होगा तो ये संडे का सरप्राइज आज हमारी बहन है बना रही है कुछ। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में, मतलब मैं सरप्राइज लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताओ, ये सरप्राइज बोलने का कमेंट्स में बताओ, ये सरप्राइज चीज़ है, मगर आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना क्या सरप्राइज था। तो ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि क्या बन रहा है, तो ये कमेंट्स में मुझे बताओ ये क्या बन रहा है। तो गाइस अभी आप कर रही है गोश्त की कटिंग, ये रहा गोश्त कटिंग कर रही है आपा, इस तरीके से देखा गोश्त भी एकदम साफ साफ लेके आई हूँ मैंने। तो गाइस ये था मेरा सरप्राइज आप लोगों के लिए,
वैसे तो आप समझ गए होंगे एक डिश मेरी तैयार हो गई है, फिर भी आप कमेंट्स में इसका नाम ज़रूर बताना ये क्या बनाया है मैंने। ये स्वीट डिशों में मानी जाती है, वो आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट्स में बताना क्या डिश बनाई हूँ। और जो आज सालन बनने वाला है तो उसकी रेसिपी जो मैंने यहाँ कटिंग वटिंग करके देखी हूँ, इसको भी देख के समझ गए, ये भी देख के समझना कि आज कौन सी समझ ही गए। हाँ समझ तो गए होंगे आप लोग, फिर भी कौन सी ये रेसिपी आज की बना रही हूँ मैं गोश्त की, वो भी कमेंट्स में डाल दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे बिरिस्ता बनाने की तैयारी, बिरिस्ता बन रहा है, अलग थोड़ा स्टाइल का, अगर आज थोड़ा अलग स्टाइल का बना रहे हैं हम, लेकिन आप कोरमा नाम ले ली तो सरप्राइज का पूरा वैसा वैसा कर दिया, अपन नाम ले ली, लेकिन आज थोड़ा अलग स्टाइल का बन रहा है हम लोगों ने कोरमा। तो ये बिरिस्ता जो है अपन ने बना लिया है, और यहाँ पे जो इसके मसाले हैं राबिया पीस रही है, अभी काजू टमाटर तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग, तो वैसे समझ ही गए होंगे फिर भी कमेंट्स कर लेना। और ये टमाटर, हाँ टमाटर काजू पहले उसने पीस लिए, अब टमाटर उसमें डाल रही है। टमाटर होने के बाद ये दही रखी है, वो पीसा जाएगा, और बच गए हैं पूरे पूरे 1:05 हो चुका है और पानी नहीं मिला मुझे आज भी, तो आज भी पानी नहीं आया बाबा, मैं पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो किसके किसके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है कमेंट्स में ज़रूर करो, मुझे बोलो, क्योंकि मुझे बम्बई में तो पानी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, कल आया अल्हम्दुलिल्लाह, आज पानी नहीं आया, कल मैंने बड़ा खुशी मनाई पानी की, तो देखो आज पानी नहीं आया। तो अब ये पूरा कम्प्लीट होने के बाद फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। बोल, आखिरी में हमारा जाएगा बिरिस्ता। नहीं अभी लेकिन गोश्त गला ही नहीं है, मगर अभी क्या मसाले, ये प्याज भी भून जाएगी, वैसे तो फ्राई हो गई है, लेकिन क्या है जरा भून जाएगी, पता नहीं, गला नहीं तो आज गोश्त को मेरे क्या हो गया, नहीं तो 2 से 4 सीटी में गोश्त मेरा गल जाता है, और आज मैंने गोश्त चढ़ाई उसे जल्दी कर देंगे, तो वो भी गोश्त संडे मना रहा है, आज संडे ना तो वो भी बोल रहा है मैं नहीं गलूंगा, मैं आराम से छुट्टी मनाऊंगा, आराम से गलूंगा। तो देखो अभी कितना अच्छा लुक आया है मेरे, माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही लुक देते रहे मेरे सालनों को खाने में मजा आए। तो इसको गलाना पड़ेगा फिर से, तो वापस चढ़ा देंगे, वापस अभी हम चढ़ाएंगे 3-4, प्याज भी अच्छे से, प्याज भी इसमें पूरी मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मतलब पक भी जाएगी, पक भी जाएगी, ये भी कच्चा, और अभी बना भी नहीं है तो इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, जब बन जाएगा तो माशाल्लाह तबरकल्लाह कितना अच्छी खुशबू आएगी, मुझे तो खुशबू से रहा नहीं जा रहा है, कोरमे का ऐसा ही लुक आता है कि बताना आप लोगों के कोरमे का इसी तरह लुक आता है क्या, मुझे कमेंट्स में ज़रा बताना, ज़रूर बताना और ज़रूर कमेंट्स करना प्लीज़। तो जो राइस आपने वापस से भी आपा इसको चढ़ा रही है, अभी 2-4 सीटी आपा और लेगी इसकी, तो इंशाल्लाह ये जब तक गल जाएगा, और हमारे चावल भी यहाँ रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह तबारकल्ला, देखो हमारे चावल का लुक कितना अच्छा है, कितने खिले खिले से चावल है और एकदम अच्छा देखे। तो ये था लगा, तो आज जरूर कमेंट में बताओ, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और यहाँ पे हमारा सलाद बन के तैयार है खाने के लिए, और ये सालन पे जाने के लिए सब ऊपर से छिड़क जाएगा, ये तो बहुत ज़रूरी होती है, ये तो अगर ये ना हो तो समझे सालन पूरा अधूरा, जो मज़ा ही नहीं आता, इसकी खुशबू का जो जायका है ना इसी से इसी से होता है, इसकी जो खुशबू आती है। तो आप लोग कौन कौन डालते हैं ये जरा कमेंट्स में बताना हम लोग को, क्या आप लोग भी डालते हैं कोतमीर। तो राबिया को मदरसे से होमवर्क मिला है, तो ये मदरसे जाती है तो वहाँ पे उसको ये लिखाते भी है, तो ये होमवर्क रोज़ उसको मिलता है, तो अभी 2-4 वो मदरसे चली जाती है और 5 आती है, तो वहाँ जो है उसको ऐसा लिखाते भी है मदरसे में, तो वो अपना होमवर्क कर रही है मदरसे का। देखो तो कमेंट्स में बताओ इसकी रेटिंग कैसी है, आप लोगों को इसकी रेटिंग अच्छी लगी क्या।
तो माशाल्लाह तबारकअल्लाह मेरा कोरमा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे कोयला जला रही हूँ मैं इसको, अभी कोयले का मैं बावर्ची स्टाइल आएगा, थोड़ा भटियारा स्टाइल की तरह, बावर्ची स्टाइल की तरह बनाऊंगी। अभी यहाँ पे ये कोयले का थोड़ा सा भाप दूंगी मैं इसको, स्टीम करूंगी, धुआं दूंगी, ताकि इसमें बावर्ची स्टाइल जो होता है तो वो फ्लेवर आए। तो अभी हम जा रहे हैं इसको गया। हाँ ये देखा माशाल्लाह, अब इसका जो खुशबू आएगी ना, जो क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़बरदस्त सालन में खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है मेरा, अम्मी सब बैठे हैं, अभी कोतमीर सालन पे डलेगी और फिर हम करेंगे बिस्मिल्लाह। आप लोग भी आए बिस्मिल्लाह करने, तो वैसा आप लोगों को तो समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया होगा कि तो संडे को मैंने क्या बना दिया है आज खाने में, यानी रूटीन में जो तो संडे को जो रहता है ना जुम्मा, हाँ इरादा तो मेरा ऐसा कुछ बनाना नहीं था, लेकिन एक जुम्मा और शनिचर को जो है आप लोग सबको पता है जो हम होते हैं, हाँ जुम्मा और संडे के दिन जो होता है ख़ास होता है हमारे लिए, तो जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ के आते हैं, जुम्मा तो हमारा दिन होता है, नमाज़ पढ़ते हैं, खाने के लिए आते हैं, तो तभी भी खास, संडे जो है गवर्नमेंट की छुट्टी होती है तो भी ख़ास होता है, तो इस दो दिन खास में तो। तो गाइस हम बैठ गए खाना खाने और आपा हमें निकाल के दे रही है माशाल्लाह सालन कोरमे का, और साथ में बोटी इसने भी छुट्टी मनाया गला नहीं चल नहीं तो ऐसे चार पांच सिटी में हो जाता है, और आज बोला मैं भी छुट्टी पे हूँ। देखो मेरे कोरमे का माशाल्लाह लुक, और साथ में है क्या सलेट सलाद कचुम्बर बोलते हैं हम इनको, देखो थोड़ा सा मैं लूंगी कचुम्बर इधर साइड में, किसका है मेरा है, और साथ में तंदूरी है। तंदूरी रोटी अब इसे हम करेंगे इस तरीके से सालन में डिप, हाँ गोश्त के लिए माशाल्लाह, ये लेंगे गोश्त, ये लेंगे निवाला, बोलो बिस्मिल्लाह, गई बोटी ये मुंह में गया निवाला माशाल्लाह इतना अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आया ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ट्राई करेंगे पर से ला लो, तो ये जो भूख लगी मुझे बहुत लग रही थी, तो ये जो मेरा कोतमीर है ऊपर से आ गया, कोतमीर तो रहना ही चाहिए, कचुम्बर में भी कोतमीर, सालन में भी कोतमीर, देखो मेरा निवाला, आओ आप भी कहो बिस्मिल्लाह, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से मैं खाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं खाती हूँ, गला चाहिए नहीं तो दांतें दर्द होते हैं। इतना टेस्टी खाना बनाना अल्लाह मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कैसे लग रहा खाना बताओ इधर नंबर वन, और तंदूर की रोटी और अच्छा, बहुत मैं रोटी खाती हूँ, मुझे कमेंट में बोला था मैं रोटी नहीं खाती, मैं खाती हूँ रोटी, खाती हूँ नाश्ते में भी खाती हूँ, खाने में भी खाती हूँ, ने कमेंट किया ना उसको बोलने का आज हम रोटी खा रहे हैं, रोज तो खाते हैं रोटी, रोज ही खाती हूँ, एक दो रोटी तीन रोटी रहेगी लेकिन देती हूँ नाश्ते में, दो रोटी खाती हूँ तो फिर मैं फिर चावल खाती हूँ, फिर रात में भी रोटी खाती हूँ, खाते चावल के बिना तो भाई जिंदगी अधूरी है मेरी, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी ना के बराबर, लेकिन अब मैं रोटी खाती हूँ क्योंकि मेरा चावल, रोटी कितनी भी खाऊं थोड़ा तो चावल चाहिए ही है, बचपन से हम लोग खाते आए ना,
लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे। हम इस तरह खाते हैं, किसके किसके फैमिली में इस तरह दस्तरखान बिछा के और दस्तरखान पे साथ में खाना खाया जाता है बताए हमारे यहाँ, बताओ कमेंट्स में बताए कौन दस्तरखान बिछा के लेने का। हाँ, आप लोग पूरी विद फैमिली के साथ खाना खाते हैं, हम लोग तो हमारी फैमिली इतनी छोटी सी तो वी विद फैमिली हो गया हम, और फिर मेहमान भी आते हैं तो हम इसी तरह साथ में ही खाना खाते हैं दस्तरखान। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के घर में दस्तरखान बिछा के इस तरह सब साथ में खाना खाते हैं क्या। नाश्ता भी हम लोग कलर खाते हैं, ये बरकत भी होती है ना फिर। तो भाई अब मेरी टन हो गई है चावल की, तो अब मैं चावल ले लिया हूँ, अब मैं चावल खाऊंगी। तो ये रहा मेरा रोज, और थोड़ा सा हमारा ये कांदा सलाद जो होता है ये, और ये बन गया मेरा लुकमा। ये जाएगा मेरे मुंह में बिस्मिल्लाह। चावल के साथ एकदम बेहतरीन। इतना बेहतरीन खाना माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत अच्छा। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका है, और खाने के बाद सुन्नत अदा कर रहे तो ए, क्या था पता है, पता तो चल गया होगा ये बनी है। फिर भी कमेंट्स में बताना, मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, आप भी लोग कमेंट्स में बताना मुझे ये क्या बना है मीठा। अब खाने के बाद सुन्नत अदा कर रही हूँ, मीठा मीठा खा रही हूँ मैं। देखो जबरदस्त, मैं सोचती बहुत ठंडी हो गई, नहीं ठंडी नहीं थी, ठंडी नहीं हुई, शाम तक हो जाएगी। हाँ, वो आप लोग भी, ये मैं आप लोगों को खिला रही हूँ और खा ले रही हूँ खुद ही। मेरे अम्मी बोला यमी यमी, बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। और वो जो उसकी एसेंस की खुशबू जो गई है ना, और थोड़ा अच्छा हो। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एसेंस डालने की जरूरत नहीं। अरे हमारी नियत भर जाए फिर आपको देंगे माशाल्लाह। अभी बस दो, अभी रात में खाएंगे, कल दोपहर में खाएंगे, खत्म हो जाएंगी मेरे घर में बहुत जल्दी, खत्म होता है मीठा बहुत जल्दी खत्म होता है। अभी अभी ना दो प्यारे, मेरा बड़ा मेरा भांजा है ना, वो आए ना, अगर वो चख लिया पसंद आ गई उन्हें दो प्याली खा के ही जाएंगा। और उसको तो खाने का मीठा तो अरे मेरे अल्लाह, देखो इतनी पसंद आई उसको खीर, इतनी पसंद आ गई तो खाते खाते उसके आंसू निकल गए, इतनी टेस्टी लगी। देखो सही में रो रही है, इतनी जबरदस्त उसको खीर लगी कि वो उसको उसको रोना आ गया। माँ ऐसी खीर हमारे घर में बनती है, जालिमा खीर बनती है माशाल्लाह तबारकल्ला, बहुत जबरदस्त खीर बनी थी। मेरी बेटी तो रो दी। हाँ खीर, अरे मैं सरप्राइज बोल बोल के इसका नाम ले ले रही हूँ, मैं क्या करूँ। अल्लाह मुझे बचाए। तुम बस कमेंट करो हमारे, बस फिर भी आप लोग कमेंट्स करो, आप लोगों को ऐसा लगा मेरा वीडियो। तो ये ब्लॉग मैं यहीं बंद करती हूँ, मतलब ख़त्म करती हूँ, एंड कर रही हूँ। और इंशाल्लाह शाम में मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, अगर कुछ बनाई